बुधवार रात मानकापुर थाने में जीजा और उसके साथियों द्वारा साली का सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपियों के नाम मंगेश, पीड़िता का जीजा आकाश और नीलेश बताए जा रहे हैं, जबकि बाकी दो आरोपी उसके पड़ोसी हैं। मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता गोदनी में रहती है। नवंबर में जब वह ट्यूशन से लौट रही थी तो मंगेश ने उसे जबरन एक गली में ले गया। वहाँ उसने पीड़िता को उसकी अश्लील वीडियो दिखाए और गंदी हरकतें करने लगा। मंगेश ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता घबरा गई और वहाँ से भाग गई। कुछ दिन पहले मंगेश ने आकाश और नीलेश के साथ मिलकर कार में पीड़िता का अपहरण कर लिया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि तीनों ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध कर किसी अज्ञात जगह पर ले गए। वहाँ पहले से एक लड़की थी जिसकी पिटाई कर रहे थे। वहाँ आरोपियों ने पीड़िता की भी पिटाई की और उसे जबरन शराब पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसे करीब दो दिन तक बंधक बनाकर रखा और 3 लाख रुपए मांगे। पीड़िता ने मना किया तो उसे सिगरेट से ताक दिया। आरोपियों ने कहा कि चोरी या कुछ भी कर, लेकिन हमें पैसे दे, नहीं तो वीडियो वायरल कर देंगे। मजबूर होकर पीड़िता ने उन्हें पहली बार में 25,000 और दूसरी बार में 24,000 रुपए दिए। परेशान होकर पीड़िता सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मानकापुर थाने पहुंची और शिकायत की। मैं समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ, मैं सुनीता ताई ठाकरे से बिल्कुल सहमत हूँ। वो कहती है कि ऐसे दरिंदों को फांसी देना चाहिए, तो मैं सहमत हूँ ताई से। डेफिनेटली ऐसे लोगों को जरूर फांसी देना चाहिए, उन्हें कड़ी से कड़ी शिक्षा देना चाहिए। सोशल मीडिया या व्हाट्सअप, फेसबुक पे जो भी लड़कियां, मैं सभी नागपुर के, महाराष्ट्र के और अपनी इंडिया की लड़कियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ, संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी लड़कियां सोशल मीडिया द्वारे लड़कों से दोस्ती करती है, उनसे फ्रेंडशिप करती है, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें एक मर्यादित रखना चाहिए, ना कि उन्हें पर्सनली लेना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि लड़कियों ने ये समझना चाहिए कि अपने साथ जो भी गलत होता है, उन्होंने अपने मम्मी पापा या तो फिर अपने फ्रेंड को ये सारी बातें बताना चाहिए, और अपने फैमिली में कोई भी ऐसा विश्वास हो तो उन्हें ज़रूर से बताना चाहिए कि उनके साथ क्या घटना घट रही है, क्या अन्याय हो रहा है। लेकिन आजकल की लड़कियाँ कोई भी बात मम्मी पापा या किसी को बताने से डरती है, उन्हें लगता है अगर हम ऐसा करते हैं तो उनके फैमिली पे कोई आज तो नहीं आएंगी या कोई घटना तो नहीं घटेंगी। इसलिए हमारी जो पीड़िता लड़की है वो एकदम नाबालिग है, 16 साल की है, वो डरी थी बहुत, उसको डराया गया था, बंदूक दिखाई गई थी, उसको दारू पिलाई गई थी और उसे नशे की गोलियाँ खिलाई गई थी। पीड़िता लड़की थी किशोरी नाम की, उसने मुझे, उसके मम्मी ने मुझे कॉल किया और मुझे बार बार पूछा, कॉल करके बोला कि मैडम आप जहाँ पे भी हो आइए और आपसे मुझे बात करना है। मैं उनको पूछ रही हूँ मगर मुझे कुछ भी बता नहीं रहे, तो मैंने अपने 10 काम डाल के उनसे मिलने आई हूँ और उन्होंने मुझे जो हादसा लड़की के बारे में बताया, लड़की के बारे में मुझे बताया, और मैं तो एक सोच में पड़ गई कि ये जब 16 साल की लड़की कैसी इतनी एक साल से यह सब सहते आ रही है। तो मैं लड़की से जब मिली और पहला ही क्वेश्चन उससे पूछने लगी तो मेरा कंधे पे उसने सर रख के रोना चालू कर दिया। मैं उससे सविस्तर उससे रुकी थोड़ा देर, फिर उसको समझाई, उसके बाद मुझे जो चीज़ बताई गई तो मैं खुद हादसा इन्हें ऐसा है लड़की के साथ में हुआ कि ये जो ठाकुर नाम का व्यक्ति है, नीलेश ठाकुर ने जो गलत काम लड़की के साथ में किया है, लड़की के घर के सामने ही रहता था, तो उसने उसको अड़ाया और बोला कि इधर से मत जा, ये जो बीच में की गली है वहाँ से जा। लड़की ने उनका सुन ली, क्यों नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो पड़ोस वाले थे इसलिए उसने सुन लिया। उसके बाद में लड़की जैसी वहाँ से निकली तो इसने गाड़ी आड़ी करके उसको ठहराया, उसने, लड़की ने बोला कि अंकल मुझे जाने दीजिए, तो ठाकुर ने उसको सवाल किया कि बेटा ये मोबाइल में कौन है, इसको पहचानती क्या। तो लड़की ने जैसी मोबाइल में फ़ोटो देखी तो उसी की खुद की फ़ोटो दिखी उसको, और ऐसे अवस्था में फ़ोटो दिखी कि लड़की घबरा गई कि मेरे घर में की अंदर की फ़ोटो इसके पास आई कैसे। पीड़िता से तक्रारीनुसार पीड़िता ट्यूशनला जात असताना तिचे ओळखीचे आरोपीने एक व्हिडिओ दाखवला, ते व्हिडिओच्या आधारे तिला कारमध्ये घेऊन गेले, वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन तिच्यावर अतिप्रसंग केला आहे, शारीरिक संबंध केले, तशी तक्रार आहे। आणि त्या तक्रारीवरून पोस्टी मानकापूर येथे 395 लिखित गुन्हा नोंद आहे आणि पुढील तपास सुरू आहे।
यामध्ये एकूण त्याच्यामध्ये एकूण 3 आरोपी आहे पण प्रत्यक्ष सहभागी 2 आरोपींचा संबंध याच्यामध्ये दाखवतो. या मात्रा प्राप्त आहे. सध्या त्या सर्व मुद्द्यांवर तपास सुरू आहे. तपासामध्ये ज्या बाबी निष्पन्न होणार आहेत त्या सर्व बाबींवर बारकाईने तपास करण्याची गरज. कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट.